ABPS News। किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांव वासियों को मुख्य धारा में लाना संभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांवों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित गांव भितखेड़ा पड़ा। यह गांव जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 9 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान संदीप कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, पशु चिकित्सालय, बिजली घर, नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करवाया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा कुछ और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, हाई स्कूल के निर्माण की मांग तथा सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए सफाई कर्मी की नियुक्ति की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गांव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मैं ग्राम प्रधान संदीप कपूर और ब्लॉक मुंडा पांडे, ग्राम ब्लॉक मुंडा पांडे, थाना मुंडा पांडे, जिला और तहसील मुरादाबाद का ये गांव है। ये वैसे गांव बहुत सक्षम है। मैंने इस गांव में बहुत काम करा है। मैंने पशु चिकित्सालय अपनी एक एकड़ ज़मीन देके पशु चिकित्सालय बनवाया। मैं 33 के वी का बिजली घर बनवाया मैंने, और मैंने यहाँ पे सारी सड़कें और रोडें सब मैंने इसकी पक्की कराई, गलियाँ नालियाँ कराई, और सोलर लाइटें लगवाई। 15-16 लाइटें लगी हुई हैं मेरे हाथ की सोलर, और स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जितनी भी हमारे क्षेत्र में जो गांव है ब्लॉक बूंदा पांडे में, उसमें एक गांव भीतकेड़ा भी ऐसा है जिसमें सब सारी सुविधाएं, और हमारा मजरा है, एक मजरा भीतकेड़ा है, एक हिरनखेड़ा है। इनमें थोड़ा थोड़ा काम रह गया है, इन्हें पूरा कराना है। और नल भी मैंने सभी में करा दी, मेरे हाथ के नल भी 14-15 लगवाए हुए हैं। और काम तो मैंने बहुत करा है। काम में तो मैंने अपनी सड़क कराई थी यहाँ से मुंडा पांडे से लेके हिरनखेड़े तक, ये मैंने उसमें जिसमें सीधी टाइल्स भी है, PNGSY से मेहनत करके मैंने वो काम कराया। और हर तरह से मैं इसी काम में लगा रहता हूँ कि कैसे गांव का विकास हो, कैसे गांव का डेवलपमेंट हो, उसी में लगा रहता हूँ। कहीं कामयाब हो जाता हूँ, कहीं नहीं हो पाता हूँ। तो मैं चाहता ये हूँ कि अगर कोई काम भी हो, पहले भीतकेड़े का नाम हर मुंडा पांडे मुरादाबाद तहसील में लिया जाए, तो सबसे पहले मुंडा पांडे ब्लॉक का भीतकेड़े का नाम और कर रहे हैं। मेरे यहाँ सफाई कर्मी की मेरे यहाँ बहुत कमी है। सफाई कर्मी का मैं चाहता ये हूँ कि सफाई कर्मी मेरे यहाँ बढ़े, क्योंकि गांव है बड़ा, इसमें सफाई कर्मियों की बहुत दिक्कत होती है।